बिरसा मुंडा कारागार के अधीक्षक हामिद अख्तर आज ईडी कार्यालय नहीं पहुंचे हैं। साथ ही जानकारी ये भी मिल रही है कि अब ईडी के सवालों का सामना करने के लिए अधीक्षक हामिद मंगलवार को हाजिर होंगे। हालांकि इससे संबंधित कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है, लेकिन उम्मीद जताई जा रही है कि हामिद अख्तर आज ईडी कार्यालय नहीं आएंगे। हालांकि रांची सीओ अमित भगत ईडी कार्यालय पहुंचे और निलंबित आईएएस छवि रंजन के जमीन घोटाला मामले से जुड़े दस्तावेजों को लेकर ऑफिस के अंदर गए। बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ईडी जेल में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों को मिल रही सुविधाओं सहित सीसीटीवी के मुद्दे पर बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल के अधीक्षक हामिद अख्तर से पूछताछ करेगा। इसके लिए ईडी ने उन्हें 26 जून को रांची स्थित क्षेत्रीय कार्यालय में बुलाया गया है। ईडी को सूचना मिली थी कि मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों ने जेल में जश्न मनाया है। इसकी जांच के लिए ईडी ने जेल से सीसीटीवी फुटेज मांगा थी। ईडी कोर्ट में इस मुद्दे पर सुनवाई के बाद सीसीटीवी फुटेज ईडी को देने का निर्देश दिया था, लेकिन अब तक ईडी को सीसीटीवी फुटेज नहीं मिला है। वहीं पिछले दिनों मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की एक दूसरे से रात में मिलने की सूचना के मद्देनजर ईडी ने कोर्ट की अनुमति से जेल में छापा मारकर सीसीटीवी फुटेज जब्त किया। फुटेज की जांच से इसकी पुष्टि हुई कि पावर ब्रोकर के रूप में चिन्हित प्रेम प्रकाश ने जेल में रांची के पूर्व उपायुक्त छवि रंजन के मुलाकात की थी। रात को दोनों की मुलाकात करीब 40 मिनट तक चली थी। छवि रंजन ने ईडी को बताया था कि प्रेम प्रकाश खुद मिलने आया था। जेल अधीक्षक से इस सिलसिले में भी पूछताछ की जानी है। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।